हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा लावा फ़ोन है तो लावा फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम बटन कंट्रोल ऑप्शन है तो डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम बटन कंट्रोल ऑप्शन को आप कैसे सेट कर सकते हैं लावा फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाला आइकन ओपन आएंगे, फिर आपको सेटिंग्स पे जाना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में डिफ़ॉल्ट बटन कंट्रोल ऑप्शन है, इसको सेट कैसे करेंगे, सिंपली आपको सर्च करना है डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम बटन कंट्रोल। तो इसको ओपन करेंगे, ओपन करते ही सेटिंग्स आ जाएगी जहाँ से आप इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ से आप डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम बटन कंट्रोल ऑप्शन को सेट कर सकते हैं मीडिया वॉल्यूम पे। तो मीडिया वॉल्यूम यहाँ से हमारा इंक्रीज होगा बटन के जरिए। इस तरीके से आप इसको रिंग वॉल्यूम पे भी सेट कर सकते हैं अपने वॉल्यूम बटन्स को। तो इस तरीके से आप डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम बटन कंट्रोल को सेट कर सकते हैं। और आपको ऑप्शन नहीं मिलता था फ़ोन के साउंड सेटिंग्स पे जाकर भी डिफ़ॉल्ट बटन कंट्रोल को सेट कर सकते हैं। जैसे फ़ोन के आइकन शो हो रहे हैं तो आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही वाले आइकन ओपन ही आएंगे, फिर आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन ही आएगी। तो डिफ़ॉल्ट बटन कंट्रोल ऑप्शन को कैसे सेट करें, सिंपल आपकी सेटिंग शो हो रही है तो आपको यहाँ पर जाना है साउंड सेटिंग पे, क्लिक करते ही साउंड सेटिंग ओपन ही आएगी। फिर आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो जो भी हमारा डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम बटन कंट्रोल है उसको आप यहाँ से मीडिया वॉल्यूम या फिर मीडिया वॉल्यूम या रिंग वॉल्यूम पे सेट कर सकते हैं, जिसके जरिए आप वॉल्यूम बटन वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं बटन वॉल्यूम को। तो इस तरीके से आप डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम बटन कंट्रोल ऑप्शन को सेट कर सकते हैं लावा फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए।